देश में अग्निपथ योजना को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले चार दिनों से अलग अलग राज्यों में इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। इसी बीच अब वायुसेना ने अग्निपथ स्कीम के बारे में डिटेल्स शेयर की हैं और बताया है कि स्कीम के क्या फायदे हैं, कौन इस स्कीम का फायदा उठा पाएगा, साल भर में कितनी छुट्टियां मिलेंगी और भी कई जरूरी बातें भारतीय वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर जारी की हैं। अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। ये सुविधाएं एक रेगुलर सैनिक को मिलती हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। 17 साल 6 महीने से 21 साल के बीच के युवा अग्निपथ स्कीम के तहत आवेदन कर सकेंगे। अग्निवीरों को भर्ती के दौरान मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। अग्निवीर वायुसेना के अन्य जवानों को मिलने वाले पदक और अवार्ड के लिए भी एलिजिबल होंगे। साथ ही इन्हें साल में 30 पेड लीव मिलेंगी, जबकि सिक लीव मेडिकल कंसल्टेशन के अनुरूप दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीरों को मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीरों को CSD कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की सर्विस के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस के रूप में करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, जिसमें से 21,000 सीधे उनके खाते में आएगा और 9,000 अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जाएंगे। सैलरी हर साल बढ़ेगी। ट्रेनिंग के आखिरी साल तक अग्निवीर की सैलरी 40,000 रुपए हो जाएगी। 4 साल की सर्विस के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में लिया जाएगा और इन 25% अग्निवीरों की नियुक्ति उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर ही की जाएगी। वहीं ट्रेनिंग के 4 साल बाद जब 75% अग्निवीरों को रिटायर किया जाएगा तो उन्हें 10,04,000 रुपए सेवा निधि के तहत दिए जाएंगे। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ स्कीम की डिटेल जारी करते हुए ये भी कहा है कि वो 24 जून 2022 से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना में कई जगहों से हिंसक खबरें आई। तेलंगाना में कई ट्रेनों में तोड़फोड़ और ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर शुक्रवार को सिकंदराबाद में हुई हिंसा के सिलसिले में एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड अबुला सुब्बा राव को बताया जा रहा है। बता दें कि सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों में आग लगा दी थी, तब भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक अबुला सुब्बा राव ने कथित तौर पर भीड़ को जुटाने के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया था और सिकंदराबाद में आगजनी और तोड़फोड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद हिंसा का मास्टरमाइंड राव आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से है और पिछले कुछ सालों से सेना के उम्मीदवारों के लिए एक प्रशिक्षण एकेडमी चलाते हैं। पुलिस ने शनिवार को पूछताछ के लिए राव को गिरफ्तार कर लिया। हिंसक प्रदर्शन में वारंगल के एक युवक की मौत हुई थी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए और 3 यात्री ट्रेनों पर हमला कर दिया। इस दौरान भीड़ ने ट्रेन के डिब्बों को जला दिया और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट भी किया था। वहीं हिंसा को लेकर अब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस ने राज्य भर से हिंसा के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। एहतियातन रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं यूपी और बिहार में कई जगहों पर हुई तोड़फोड़ में रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की तरफ से पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासत जारी है। AIMM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और भारत के कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नूपुर शर्मा को बीजेपी आने वाले 6-7 महीनों में बड़ा नेता बना सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये भी संभव है कि बीजेपी नूपुर शर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बना सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नूपुर शर्मा को बचा रही है, हम PM से अनुरोध कर रहे हैं और वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। हम प्रधानमंत्री से ये भी बोलेंगे कि आप
अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुंगदार होंगे और उसको बनाकर पेश किया जाएगा तो बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के होदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई, ये तो हकीकत है हमारे देश की। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने भी निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी का देश दुनिया के कई हिस्सों में विरोध हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया था। असम में लगातार बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। बाढ़ के पानी में कई गांव के गांव डूब गए, जिससे सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के चलते सड़कें भी पानी से लबालब हो गई हैं, ट्रेनें रद्द हो गई हैं। यहां कई लोग बेघर हुए, कई लोग मारे गए, फसलें नष्ट हुई, सड़कें टूट गई, या यूं कहें कि जिंदगी ठप हो गई। असम में बाढ़ खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। शनिवार को भी हालात बेहद खराब हो गए। शनिवार को बाढ़ के कारण 4 बच्चों समेत 8 और लोगों की मौत हो गई। बता दें कि असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की कुल संख्या 62 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ 8 लोग अब भी लापता हैं। 4 लोग होजई जिले से, जबकि अन्य 4 बजली, कार्बी आंगलोंग पश्चिम, कोकराझार और तामुलपुर से लापता हैं। असम के करीब 3,000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र, गोरांग, कोपिली, मानस और पागलाड़िया नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने असम के कई हिस्सों में तबाही मचाई है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जहां लोगों की जिंदगी बाढ़ के कारण पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। लोग राहत शिविरों में रहकर इस आपदा के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से फोन पर बात करके बाढ़ का जायजा लिया और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। असम के अलावा मेघालय, त्रिपुरा में भी बाढ़ के कहर से लोगों को जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ अब जानलेवा साबित हो रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में SDRF और NDRF की टीमें लगातार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज और 20 जून को भी असम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब होने की संभावना बनी हुई है। देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये शनिवार के मुकाबले थोड़े कम हैं। शनिवार को 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। नए केस में कमी के बावजूद कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 4,366 की बढ़ोतरी हुई है। देश में एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर अब 72,474 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 15 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,855 पर पहुंच गई है। वहीं राहत की बात ये है कि कोरोना से ठीक होकर 8,518 लोग घर लौटे हैं, जिसके बाद अब देश में कुल 4,26,99,363 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से डेली पॉजिटिविटी रेट 2.89% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.50% है। कोरोना से रिकवरी की दर 98.62% है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 3,883 नए कोरोना केस मिले हैं। यहां एक्टिव केस 22,828 पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के बाद पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस केरल से सामने आए हैं। यहां 3,253 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। यहां सक्रिय केस अब 21,275 हो गए हैं। शनिवार को कोरोना से 7 लोगों की केरल में मौत दर्ज की गई है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 1,534 नए कोरोना मामले शनिवार को मिले। कर्नाटक में 750 और हरियाणा से 712 नए कोविड केस मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग तेज कर दी गई है। इंडियन सार्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन जिलों और इलाकों से ज्यादा संख्या में सैंपल जीनोम जांच के लिए भेजने को कहा है, जहां पिछले 7 दिनों में बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक इसका मकसद कोरोना केसों में बढ़ोतरी की वजह का पता लगाना है। इसके साथ ही ये भी देखना है कि कहीं कोई नया वेरिएंट या सब वेरिएंट तो नहीं उभर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।